है प्योरिटी इज जेनरेसिटी, उदार दिल, पवित्रता मतलब उदार दिल, बड़ा दिल, क्योंकि बड़ा दिल किसे कहेंगे पवित्रता में। जितनी पवित्रता ना उसमें ऑटोमेटिक सारे वर्च्यूज आते हैं। तो बड़ा दिल मतलब एक लेने मिल रहा है, एक ये फीलिंग, और एक है चाहिए। तो चाहिए की फीलिंग नहीं है, मिल रहा है की फीलिंग है, एटीट्यूड ऑफ रिसीविंग नॉट वांटिंग। तो ये हमें देखना है कि कौन सा दिल है मेरा, मुझे मिल रहा है। और चाहिए मतलब कंप्लेन होगी, मतलब वेकेंसी है। और इसलिए जो भी हमें मिल रहा है, इवन शिक्षा मिलती है, हम उसको करेक्शन नहीं कहते, टीचिंग्स है, स्टोर करके रखो। सपोज मुझे किसी ने करेक्ट भी किया, पर करेक्शन करते हैं तो लगता है कि कुछ और टीचिंग्स है। तो टीचिंग्स स्टोर, दादी हमको कितनी स्ट्रॉन्ग भी शिक्षा देती थी, लेकिन वो करेक्शन नहीं है, टीचिंग्स है। तो इसलिए जब हम ये नहीं कि मुझे तो पता है, ये सब पता है, ये सब क्या है पवित्रता, सब पता है। कई बार हम सोचते हैं ना ये सब पता है, पता है ये भी एक क्या कहेंगे ईगो की निशानी है, मुझे सब पता है। लेने मतलब मिल रहा है मुझे, ये मैं भाग्य है जो मुझे मिल रहा है। तो ये टीचिंग्स में ये फीलिंग हो, और जो हमें मिलेगा वो हम देंगे, शेयर करेंगे। शेयर और केयर, टीचिंग्स हमारी केयरिंग है, यही हमारा केयर है बाबा के तरफ से। तो जैसे वो होता है ना, बाबा की जो केयरिंग हमें मिल रही है उससे क्या हो रहा है, नो डिपेंडेंसी। ये दुनिया की जो कैरिंग है ना उसमें डिपेंडेंसी होता जाता है, और यहाँ का सपोर्ट भी है, पर सपोर्ट लेने की भावना नहीं है। तो शेयरिंग और कैरिंग ये बाबा की शिक्षा हमें देता है। और फोर्थ है जेनरसिटी मतलब भरपूरता। क्यों? क्योंकि जब हमें मिल रहा है ना, हम लेते जाएंगे ना, तो भरपूरता होगा। कई बार हम देखते क्लासेस मतलब सुनते नहीं, या तो कुछ जैसे ना मुरली सुन लिया बस, या कुछ एडिशन, तो वो भरेगा नहीं ना, दे भी नहीं पाएगा। तो भरना बहुत जरूरी है, फीलिंग ऑफ भरपूर। और भरपूरता हर बात में होती है, जैसे परिस्थिति है, कोई भी परिस्थिति। अब जैसे उसमें है कि जब मुझे मिल जाता है बहुत, तो जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, लेकिन अब उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, वॉट मोर कैन आई डू। हम सोचते हैं मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत, तो इसका मतलब मैं तृप्त हो गई हूं पुरुषार्थ से, और मुझे कैसे करना है, और मुझे क्या करना है, ये है भरपूरता। वॉट मोर कैन आई डू, वॉट आई हैव डन, वो नहीं, मैं और ज्यादा क्या कर सकती हूं, भरपूर वाला ये सोचेगा। और दूसरा परिस्थिति, उसमें कभी भी ना वाली फीलिंग नहीं आएगी। जेनरस जो होगा ना, जैसे परिस्थिति में कोई पेशेंस, धैर्यता नहीं है किसी में, हम कहते हैं कोई धैर्यता ही नहीं है तुम्हें, तुम लोग में शांति नहीं है, ये नहीं वाली नहीं आएगी। मैं धैर्य रह सकता हूं। तो भरपूरता का मीनिंग होगा वो गुण मैं यूज करूं, ये नहीं कि तुम्हारे में नहीं है इसलिए दो ना। जैसे घर में क्रोध कर रहे सब, अब हम कहते हैं किसी में कोई शांति नहीं है, कोई शांति से बात ही नहीं करता है, तो हम बैठे हैं ना हम देने के लिए,
हम देना उस समय भरपूरता, तो मुझे देने की भावना होगी ना, ये भी कि वो शांत रहे, ये भी क्या है, लेने की भावना, जेनरसिटी, पवित्रता अर्थात दिल बड़ा। और दूसरा, बाबा को मतलब हमारा दिल बड़ा क्यों है, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, द्वैत मत नहीं हो, हम क्यों मानते हैं बाबा ने कहा है ना। अब मैं अपनी बुद्धि नहीं यूज कर रही हूँ, बाबा को लेकर आते हैं, तो चाहे हमारी बुद्धि कितनी भी राइट मतलब वैसे अनुभवी है, लेकिन इस समय बाबा ने क्या कहा कि नहीं बच्चे तुमको हाजी या मजबूरी से चुप बैठ जाते, क्या करे। तो ब्रिंगिंग बाबा, हर बात में बाबा को लिए, बाबा ने इसलिए कहा है ना, इसलिए मुझे करना है। और दूसरा, कभी भी ये नहीं हो कि कैसे होगा, जिनके पास बहुत होता है ना वैसे भी तो ये संकल्प आता है। तो अगर मुझे भविष्य के लिए या कोई किसी की कुछ बीमारी है उसमें ये बार बार आता है, कैसे होगा कैसे होगा, मतलब छोटा दिल है। तो ये तीन शब्द नहीं यूज करो, नेवर, नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। भाई ये बाबा कह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हमने क्या किया, अपने आप को लिमिट कर दिया, हद में ले आए। पवित्रता मतलब बेहद, नहीं होता है बेहद की भावना। इसलिए बाबा की हर आज्ञा के लिए दिल बड़ा, ये फीलिंग होनी चाहिए किसी भी बात में। जैसे हो ना, बाबा ने एक बार कहा नहीं था कि भैया तुम वो टीन का नशा होता है तो वो दिल्ली में एरोड्रम पे वो बड़ा सारा, और इन लोग जगदीश भाई मोहिनी बहन ने कहा 3,000 रुपए। बाबा ने कहा है कि कौन बोल रहा है, तुम करो, बाबा देखेगा। ऐसे ही बाबा होता तो और कार्य हो जाता था। इसलिए हर आज्ञा में जब दिल बड़ा करते हैं ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन दिल बड़ा होता है ना, हम सबने क्या अनुभव किया, वो हो भी जाता है, वो भर भी जाता है। और जब दिल छोटा होता है ना, जैसे कई बार हम कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम, मतलब दिल बहुत छोटा है, तो ये फिर वो भरता नहीं है, मतलब टाइम मिलता भी नहीं है वो चीज। धन है, टाइम है, तो बाबा हमेशा कहते दिल बड़ा रखो कोई भी चीज के लिए, नहीं है, नहीं है, नहीं कर सकता हूं, नहीं पॉसिबल है। जो बार बार नहीं करता है ना, जैसे सेवा में भी हमने देखा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए तकदीर भी नहीं हो जाती फिर, नहीं बस नहीं, स्टॉप हो जाती तकदीर। एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती, दो बार मिलती, हमेशा नहीं नहीं करते रहेंगे तो कितनी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी स्टॉप हो जाती। अब वो चाहकर भी वो मतलब परिस्थिति ऐसी आती है, या तो शरीर यूज नहीं हो सकता है सेवा में, या फिर मन यूज नहीं हो सकता है, या फिर धन यूज नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं नहीं की फीलिंग है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जेनरस मतलब बहुत है, बहुत है, ये फीलिंग हो सकता है, ये फीलिंग। पवित्रता मतलब बड़ा दिल। विश्व महाराजन कैसा होगा, कंजूस होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नाम नहीं है, ये वर्ड ही सत्यु की डिक्शनरी में नहीं है हमारा, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कभी भी टाइम नहीं है, ये नहीं है, जो मतलब कोई भी बहाना कहो, या ये दिल छोटा है, बड़ा दिल, बेहद का दिल रखो। तो बाबा कहते दिल बड़ा, दिल बड़ी, फॉर्मूला क्या है, कहावत, दिल बड़ी मुराद हासिल, है ना, बड़ा दिल, हर बात में दिल बड़ा हो, बड़े बाप के बच्चे बड़े बड़े दिल वाले बनो, बेहद की बुद्धि रखो। तो क्या होमवर्क होगा हमारा, एक तो हर आज्ञा में दिल बड़ी हो, और दूसरा बाबा के पवित्रता के सागर की एक एक घंटे में एक बार तो संकल्प आना ही चाहिए, ये मतलब पूरा पुरुषार्थ हो आज से,
कि बाबा से पवित्रता की किरणें मिल रही है, वाइट किरणें बाबा से लेते जा रहे। तो ये वाला पुरुषार्थ करो, भगवान बड़ा दिल और भगवान के राइट हैंड कैसे होंगे? कंजूस दिल होगा किसी कोई चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कभी तीन वर्ड कभी नहीं बोलना है, ठीक है? जो भी राइट हैंड है ना, सभी सभी राइट हैंड है। ओके जी, ये पुरुषार्थ करना है आज, इजी है।